हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आपके समक्ष आ गई हूँ। आप सभी भी रेडी हो जाइए अपना स्कोर चेक करने के लिए। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार के थ्योरी सेशन एंड टॉपिक वाइज एंड एमसीक्यू क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड डेली बेसिस में जो आपको 8 से 9 हज़ार क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रही हूँ, ये सभी चीज़ें चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चाहे यूपीटी जीटी पीजीटी, चाहे यूपीएलटी ग्रेड, या एमपी टेट, एमपी सुपर टेट, अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी हो, चाहे केबीएस एनबीएस कोई भी एग्जाम हो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, मेरे चैनल पर तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास के द्वारा कुछ भी संभव है। एंड जो थकता है उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, यानी आप थक गए तो आपको कोई लक्ष्य नहीं। रेस्ट आपके लिए जरूरी है, बट ऐसा भी रेस्ट ना लीजिए कि वो रेस्ट करते करते आप एकदम सो जाइए, ठीक है, एक्टिव रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आप सभी रेडी हो जाइए, 45 क्वेश्चनों का सीरीज है आज। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाइपोकाइनेटिक शारीरिक शिक्षा की उस अवस्था की ओर संकेत देती है जहाँ मांसपेशियों की गतिविधियों की मात्रा होती है। हाइपो, जहाँ भी हाइपो शब्द लग जाए यानी कि कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, तो हाइपोकाइनेटिक शारीरिक शिक्षा की उस अवस्था की ओर संकेत करती है जहाँ मांसपेशियों की गतिविधियों की मात्रा होती है अप्राप्त, क्योंकि हाइपो मतलब होता है कम, अप्राप्त है। ख आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद आइडियोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है वो कौन है? तो आइडियोलॉजी के जन्मदाता हैं प्लेटो। कौन है? प्लेटो। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आईओसी की गठन कब हुआ था? तो आईओसी की स्थापना हुआ था 23 जून 1894 को बैरन पियर डी कुबर्टिन के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, पावलोव से संबंधित है। तो पावलोव ने अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, कंडीशनड थ्योरी। तो यहाँ आपका सीखने का अनुबंध सिद्धांत, अनुबंधन हो जाएगा पावलोव का सिद्धांत। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, प्रतियोगिता सफलता को मापने की प्रक्रिया है। तो प्रतियोगिता सफलता को मापने की प्रक्रिया है तो क्या है दोस्तों? इसको मापने की प्रक्रिया है कि उन सभी की समान क्रियाओं व समान परिस्थितियों की में निष्पादनता की तुलना करना। नेक्स्ट है, शब्द क्यू फैक्टर किस खेल से संबंधित है? तो शब्द क्यू फैक्टर जो है वो साइकिलिंग से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? साइकिलिंग से। नेक्स्ट है, मांसपेशियों के प्रकार निश्चित किए जाते हैं। तो दोस्तों, मांसपेशी तंतु के प्रकार निश्चित किए जाते हैं मांसपेशियों की बायोंसी लॉ द्वारा। नेक्स्ट है, मांसपेशियों के कंट्रैक्शन के लिए तुरंत ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों, मांसपेशियों के कंट्रैक्शन के लिए तुरंत ऊर्जा का स्रोत होता है एटीपी। क्या होता है? एटीपी। नेक्स्ट है, ऐंठन निम्न कारणों से होती है। तो दोस्तों, बॉडी में तरलता का अभाव के कारण होता है, और आराम के अभाव के कारण भी होता है, नींद के अभाव के कारण भी होता है, बट यहाँ पे सबसे उपयुक्त होगा तरल का अभाव। नेक्स्ट है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की सामान्य चोटें हैं। तो सामान्य चोटें हैं घुटने की ACL, यानी कि एंटीरियर टिबिया मसल्स जो होती है घुटने पर, उसमें चोट लग जाता है एंकल पर, एंकल यानी घुटने, एंकल मतलब टखने, ठीक है, नी मतलब घुटना, यानी घुटने की जो सबसे ज़्यादा चोट लगता है घुटने का, तो घुटने का डिसलोकेशन नहीं होता है, ध्यान रखिए,
घुटने का चोट होता है फुटबॉल में। हमेशा घुटने की संधि निम्नलिखित हड्डियों से बनती है, तो घुटने की संधि किस किस हड्डियों से बनता है? तो यह बनता है फीमर, टिबिया, फिबुला से, ठीक है, क्योंकि और सब में अल्ना और रेडियस ये सब दे दिया है जो हाथों में पाया जाता है। आप इसको देख कर आराम से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रैक पर 100 मीटर की धावक की अपर बाजू की गति का उदाहरण है, तो क्या है? कोणीय गति। आप दौड़ते समय हाथ को आगे पीछे करते हैं या चलते हैं तो भी आगे पीछे करते हैं, तो कौन सी गति होगी? कोणीय गति, यानी कोण बढ़ रहा है और घट रहा है। नेक्स्ट है, बढ़ते हुए बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो बढ़ती हुई बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम बालक केंद्रित होना चाहिए कि उसकी रुचि किसमें है, रुचि पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में मुख्य ध्यान होना चाहिए, तो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में बालकों को स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान विषय में शिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट है, मीसो साइकिल की अवधि कितनी होती है, तो ट्रेनिंग साइकिल में 3 साइकिल होती हैं, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। माइक्रो चक्र 12 महीने का, मीजो चक्र 3 से 6 सप्ताह का, माइक्रो चक्र 3 से 10 दिन यानी 1 सप्ताह का होता है। यहाँ पे पूछा है मीजो साइकिल की अवधि कितनी होती है, तो 3 से 6 सप्ताह का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौसिखियों में अभिग्रहण प्रक्रिया होती है, तो नौसिखियों में अभिग्रहण प्रक्रिया जो होती है वो तीव्र होती है। नेक्स्ट है, संगति यानी कंसिस्टेंसी विधि द्वारा स्थापित होती है, तो दोस्तों किसी भी परीक्षा को करने के लिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत होती है, तो जो कंसिस्टेंसी विधि होता है उसको रिलायबिलिटी के अंतर्गत यानी कि विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी मेथड को कंसिस्टेंसी विधि भी कहा जाता है, यानी कि बार बार प्रयोग करने पर परिणाम एक जैसे आए तो माना जाएगा वो विश्वसनीय है, रिलायबल है। नेक्स्ट, माध्यिका की गणना की जा सकती है, तो माध्यिका की गणना की जा सकती है मिडिल स्कोर के द्वारा। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ गुणक ऑब्जेक्टिव फैक्टर की सीमा 0.85 से 0.94 है, तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि वह जो गुणांक है वो सर्वोच्च है। नेक्स्ट है, साकर कौशल का मापन किया जाता है, तो साकर यानी फुटबॉल के अंतर्गत टेस्ट आते हैं MJC यानी मैकडोनाल्ड साकर टेस्ट, जैसे जोहानसन साकर टेस्ट, सी से क्रियो साकर टेस्ट, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका? मैकडोनाल्ड साकर टेस्ट साकर से संबंधित है, मैकडोनाल्ड परीक्षण, जबकि मिलरवाल वाले टेस्ट बैडमिंटन से है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 का 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मिट्टी के कण दिया हुआ है, तो यहाँ पे सांस लेते समय नहीं दिया है, सांस छोड़ते समय दिया गया है शायद, तो देखते हैं। ऑक्सीजन जो है, जब हम वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% होता है तो 21% हम अंदर लेते हैं, बट निकालते समय इंस्पायरेशन के समय 21% लेते हैं, तो एक्सपायरेशन के समय 16.5% बाहर निकलते हैं, तो ए का एक ही हो जाएगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं बट निकालते समय 0.04% निकालते हैं, तो बी का 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है 78 से 79% लेते हैं, उतना ही पूरा बाहर निकल जाता है, तो 3 हो जाएगा। मिट्टी के कण 0, ठीक है, 0 जाता है, 0 आता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, यहाँ पे जॉइंट्स मूवमेंट्स रिलेटेड है, ज्वाइंट से कोहनी कौन सा ज्वाइंट है, तो ये कब्जेदार यानी कि हिंज ज्वाइंट है, जिसमें एक तरफ गति होती है, एक तल में गति होती है, इसमें
एल्बो, नी एंड उंगलियों का जोड़ आता है, तो ए का वन हो जाएगा, ए का वन हो जाएगा। एंड गर्दन जो है एक अक्ष पर घूमता है, तो कीलदार संधि भी इसको कहते हैं, पीवर ज्वाइंट, तो टू का, बी का टू हो जाएगा। कार्पल जो है फिसलने वाली संधि है, एक अस्थि दूसरी अस्थि पर फिसलती है, तो टार्सस और कार्पल ज्वाइंट इसमें आता है, तो ये आपका सी का थ्री हो जाएगा। नितंब यानी हिप और क्या है, एक गेंद गड्ढा संधि यानी बॉल एंड साकेट ज्वाइंट है, तो हमारा कंधा और हिप जो है बॉल एंड साकेट ज्वाइंट में आता है, तो आपका डी का फोर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क आपका राइट है। नेक्स्ट है सूची वन को सूची टू से मिलान करना है। दोस्तों यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है क्या है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रोजर शक्ति परीक्षण के मत यानी आइटम्स हैं, तो उसमें है आपका रोजर परीक्षण शक्ति परीक्षण, एक शक्ति से रिलेटेड ही परीक्षण किए हैं, तो आप तो ऐसे ही आपको छाट सकते हैं कि यहाँ पे आपका ए नहीं होगा, ग्रिप परीक्षण नहीं होगा, क्योंकि ग्रिप क्या है, ग्रिप परीक्षण है, क्योंकि इन्होंने शक्ति परीक्षण किया है, लैग स्ट्रेंथ परीक्षण, वैक स्ट्रेंथ परीक्षण एंड आरम स्ट्रेंथ परीक्षण, तो टू थ्री फोर, टू थ्री फोर आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर यानी घ यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है परीक्षण की वैधता मापने के लिए कसौटी उपयोगी हो सकती है, तो यहाँ पे फेस वैलिडिटी होगा, ठीक है, फिर इवोल्यूशन क्राइटेरिया होगा, बट दोस्तों परीक्षण पुनः परीक्षण विधि नहीं होगा, क्योंकि यह रिलायबिलिटी ज्ञात करने के लिए होता है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे वन थ्री फोर ही मान लेते हैं ऑप्शन नंबर क, बट जो है टेस्ट रिटेस्ट मेथड मेथड ये है, रिलायबिलिटी ज्ञात करने के लिए होता है, फेस वैलिडिटी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है आपका वैधता के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि ओलंपिक ध्वज के पांच रिंगों के बाएं से दाएं रंगों को सही क्रम में चुनिए, तो दोस्तों इसका बाएं से दाएं क्रम होता है, जैसे कि ओलंपिक जो रिंग होता है इस तरीके का होता है, आपको पता है, ठीक है, इस तरीके का होता है, तो बाएं से दाएं इसका रंग होता है नीला पीला काला हरा लाल, नीला पीला काला हरा लाल। नीला रंग यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक, ये पांचों छल्ले दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेप्टाथलॉन के पहले दिन के इवेंट्स को नीचे दिए गए कोडों का उपयोग कर सही क्रम में लिखिए, तो हेप्टाथलॉन में दोस्तों ये महिलाओं के लिए कंबाइंड इवेंट होता है, इसमें सात इवेंट्स होते हैं, पहले दिन चार इवेंट एंड दूसरे दिन तीन इवेंट, इसमें तीन ट्रैक व चार फील्ड इवेंट होता है। पहले दिन में इसको हम याद करने का ट्रिक मैंने बताया है कंबाइंड इवेंट वाले वीडियो में, आप देखेंगे जिसमें डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, ट्राइथलॉन, पेंटाथलॉन के बारे में डिटेल में बताया गया है ट्रिक के साथ, आप कभी नहीं भूलेंगे, सिक्वेंस बाई याद हो जाएगा, देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो हेप्टाथलॉन के पहले दिन के इवेंट्स को नीचे दिए गए कोडों का उपयोग करके सही आपको भरना है, तो यहाँ पे इसका ट्रिक था कि 100 मीटर का ऊंचा गोला 200 में खरीदा और बेचने पर लाभ 800 का हुआ, तो पहले दिन के चार इवेंट का ट्रिक है कि 100 मीटर का ऊंचा गोला 200 में खरीदा और दूसरे दिन का ट्रिक है बेचने पर लाभ 800 का हुआ, तो पहले दिन का 100 मीटर ऊंचा गोला, 100 मीटर ऊंचा, 100 मीटर का मतलब 100 मीटर बाधा दौड़, क्या क्या आ जाएगा इसमें, इसमें 100 मीटर बाधा दौड़, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका 100 मीटर ऊंचा गोला, दूसरा हो जाएगा ऊंची कूद, ठीक है, ऊंची कूद हो जाएगा, ठीक है, ऊंची कूद, तीसरा हो जाएगा ऊंचा गोला, गोला फेंक, क्या हो जाएगा, गोला फेंक, चौथा हो जाएगा 200 मीटर दौड़, क्या हो जाएगा, 200 मीटर दौड़। तो दोस्तों इस प्रकार पहला है 100 मीटर बाधा दौड़,
दूसरा इवेंट हो जाएगा ऊंची कूद, तीसरा गोला फेंक, चौथा 200 मीटर दौड़। यहाँ पे आपका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन राइट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। पहले दिन का पहला इवेंट 100 मीटर बाधा दौड़, दूसरा इवेंट ऊंची कूद, तीसरा इवेंट गोला फेंक एंड चौथा इवेंट 200 मीटर दौड़। दूसरे दिन का 3 इवेंट होता है लंबी कूद, भाला फेंक, 800 मीटर दौड़। नेक्स्ट है प्रथम 4 एशियन खेलों के आयोजक देशों के कोड का उपयोग करते हुए सही क्रम मिलाइए। तो दोस्तों प्रथम 4 में एशियन गेम हुआ था, पहला में हुआ था आपका भारत में। कहाँ पे हुआ था? भारत में 1951 में एशियन गेम हुआ था, 1951 में, ठीक है। तो पहले 3 हो जाएगा। उसके बाद कहाँ पे हुआ था? फिलीपींस, 4 हो जाएगा। उसके बाद इंडोनेशिया, फिर जापान। इस प्रकार ऑप्शन नंबर राइट होगा। नेक्स्ट है 2007 अजरन शाह हॉकी प्रतियोगिता के प्रतियोगी देश के प्रथम 4 स्थानों के कोडों का प्रयोग करते हुए सही क्रम में लिखें। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि पहला में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, फिर मलेशिया, फिर भारत, फिर दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों यानी इन्फेक्टियस डिजीज के निरोधक मापदंडों रिस्टैनिंग क्राइटेरिया का कोड का उपयोग करते हुए सही क्रम को चुनिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख। देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना देंगे कि हमको बीमारी हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, उसका डिसोसिएशन यानी वियोजन करेंगे। उसके बाद करेंगे निदान, उसका डायग्नोस्टिक्स करने की सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कि हाँ क्या बीमारी है, कैसे है, कैसे हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिरक्षा करने का उपाय करेंगे। उसके बाद हम उपचार करेंगे, लास्ट में उपचार आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए ओलंपिक आदर्श वाक्यों के प्रकट होने का सही अनुक्रम बताइए। तो ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या होता है दोस्तों? फास्टर, हायर, स्ट्रांगर। फास्टर, हायर, स्ट्रांगर। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि सीटियस, आर्टियस, फोर्टियस। फास्टर, हायर, स्ट्रांगर यानी कि और तेज और ऊंचा और बलशाली। तो सबसे पहले क्या है? तीव्रतम यानी और तेज, तो पहले दूसरा आ जाएगा। उसके बाद क्या है? फास्टर, हायर, हायर मतलब और ऊंचा, दूसरा आ जाएगा हायर। उसके बाद बलशाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आपको मिलाना है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो खेल के कप और ट्रॉफी से रिलेटेड दिया गया है। तो नेहरू ट्रॉफी जो है वो कहाँ पे है? यहाँ पे 33 का आपका ग राइट हो जाएगा, यानी कि नेहरू ट्रॉफी जो है वह दिल्ली में है, नेहरू हॉकी। एंड सिंधिया गोल्ड कप जो है वो है सिंधिया गोल्ड कप है ग्वालियर में। एंड राबर कप मुंबई में है। एंड सुरजीत मेमोरियल हॉकी जालंधर में है। नेक्स्ट है सूची 1 का प्रयोग करके दूसरे में मिलान करना है लीवर। लीवर क्या है दोस्तों? एक वाही स्रावी ग्रंथि है, ए का 1 हो जाएगा। एंड मेडुला क्या है? ये मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क का भाग है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तो बी का 4 हो जाएगा, ए का 1 एंड बी का 4, ए का 1 एंड बी का 4 हो जाएगा, ए का 1 एंड बी का 4। एंड प्रोटोप्लाज्म क्या है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य जो होता है
साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में जेड डब्ल्यू जो होता है कोशिका में पाया जाता है, कोशिका के अंदर तरल के रूप में भरा होता है, तो सीका टू हो जाएगा, सीका टू। एंड बाल एंड साकेट ज्वाइंट किस में हो जाएगा, कुल्हे में यानी हिप में, ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है सूची वन का सूची टू से प्रयोग करके मिलान करना है, तो यहाँ पे जेम्स नेस्मिथ ने किस खेल का आविष्कार किया था, खोजा था, तो बास्केटबॉल का, तो ए का फोर हो जाएगा। एंड हैरी क्रूबक को भारत में शायद शिक्षा का पितामह माना जाता है, तो बी का थ्री हो जाएगा, ए का फोर बी का थ्री, कहाँ पे दिया हुआ है, कॉमे, ठीक है। एंड विलियम मॉर्गन ने वॉलीबॉल की खोज किया था 1894 ईस्वी में, तो सी का टू हो जाएगा। एंड जी डी सोंधी एशियन गेम के पितामह कहे जाते हैं, एशियन गेम को शुरू करने वाले, तो डी का वन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर क राइट होगा। नेक्स्ट है सूची वन का टू के साथ मिलान करना है फिर से आपको, तो यहाँ पे आपको सही से मिलान करना है, जैसे कि मूत्रवर्धक यानी डायुरेटिक्स क्या करता है, यह भार को कम करता है। एनाबोलिक स्टेरॉयड क्या करता है, मांसपेशी शक्ति को बढ़ा देता है, सहनशीलता बढ़ाता है, असीम शक्ति बढ़ा देता है, तो ये पुरुष के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जैसा समझा जाता है, तो इसलिए आपका ए हो जाएगा टू का थ्री, बी का थ्री। उत्तेजक यानी कि जो स्टिमुलेस होता है या क्या करता है, या उत्तेजित प्रक्रिया है करता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर देता है। एंड बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है कि हमारे हृदय धड़कन एंड हमारे शरीर के जो धड़कन होती है इस सबको रोक करके एकाग्रता लाता है, जैसे कि तीरंदाजी एंड निशानेबाजी इस समय इस ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, तो सतर्कता हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी इसके आंसर ऑप्शन नहीं दिया है, यही आपका जो मैं मिलाई हूँ वही सही रहेगा। नेक्स्ट है सूची वन का प्रयोग करके सूची टू को मिलान करना है, तो ए आई ए एफ एफ, ए आई एफ एफ किससे रिलेटेड है, फीफा फुटबॉल से रिलेटेड है, ए ए एफ आई किससे रिलेटेड है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ एशिया इंडिया एथलेटिक्स रिलेटेड है, एफ आई एन ए फीना किससे रिलेटेड है, तैराकी से, फीना किससे रिलेटेड है, तैराकी से। एंड आई एच एफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स बेस पे क्वेश्चन है, अभी कथन ए है कि जो टेस्ट समान परिणाम देता है वह वस्तुनिष्ठ टेस्ट होता है। एंड आर है कि साकर खेल क्षमता के मूल्यवान मूल्यांकन के लिए मैकडोनाल्ड साकर टेस्ट वस्तुनिष्ठ टेस्ट है। ये बात तो सही है, बट ए आर उसका सही कारण नहीं बताया है कि जो टेस्ट समान परिणाम देता है वस्तुनिष्ठ कैसे होता है। बात दोनों सही है, बट क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों राइट है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है अभिकथन ये है कि चोटों से बचने के लिए खिलाड़ियों को वार्म अप की आवश्यकता पड़ती है, ये तो राइट है, चोटों से बचने के लिए तो हम वार्म अप करते हैं, ठीक है। आर है कि शतरंज के खिलाड़ी को प्रतियोगिता में चोट नहीं लगती, बात सही है, उसमें तो कोई मैदान नहीं होता तो कैसे चोट लगेगी, तो लेकिन यहाँ पे आर को बताना चाहिए कि कैसे वार्म अप क्यों चोट नहीं लगता है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों राइट है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यहाँ पे ख आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, अभिकथन ए है कि विद्यार्थी के लिए प्रशिक्षक को विद्यार्थी के लिए शिक्षक को प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए, ये बात तो सही है, पाठ योजना का निर्माण
करना चाहिए। आ रहा है कि एक अनुभवी शिक्षक विद्यार्थियों को प्रभावशाली शिक्षा देता है, ये भी बात सही है, लेकिन आर ने ए की सही व्याख्या नहीं की है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा ए और आर दोनों राइट है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ये है अभिकथन आपका कि कोच व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए कोच को कोच शिक्षा लेनी चाहिए। एंड आर है कि एक अच्छे खिलाड़ी सफल कोच हो सकता है। तो यहाँ पे राइट होगा आपका ए और आर दोनों राइट है, ऑप्शन नंबर गो। नेक्स्ट है कि शारीरिक शिक्षा व्यवसाय ऐसे अध्यापक चाहता है जो उत्साही और सांस्कृतिक दृष्टि से परिपूर्ण हो, अपने छात्र की मदद करने के लिए अपने विषय और कौशल में पूरा अधिकार रखता हो। ये बात राइट है। एंड आर है कि अध्यापक व्यवसाय बहुत से पारिश्रमिक देता है, अच्छे वित्तीय स्थायित्व और सेवानिवृत्ति पर अच्छा पैकेज देता है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कि ए है कि अंतर्राष्ट्रीय अभिकथन ए है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश खेलों में भारतीय अधिकारियों का काम करने का मापदंड स्तर तक नहीं है, सही स्तर तक नहीं है। तो ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, आर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अधिकारी पद पर पर्याप्त अवस्थिति के ज्ञान के कमी के कारण है। दोनों यहाँ पे गलत है दोस्तों, ए और आर दोनों असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 में ए अभिकथन है कि शिक्षा से मूल नैसर्गिक व्यवहार को समाज स्वीकृत व्यवहार के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, ये बात सही है कि शिक्षा के मूल नैसर्गिक व्यवहार को समाज स्वीकृत व्यवहार के रूप में बदला जा सकता है। आर है कि सह शिक्षा कार्यक्रम में वयस्क बालक एवं बालिकाएं एक दूसरे का सम्मान करना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए और आर दोनों राइट है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। अभिकथन ए है कि एक स्थिति में प्रशिक्षक दोबारा सीखे गए कौशलों को अन्य स्थिति में सीखे गए कौशलों को सीखने में स्थानांतरित किया जा सकता है। सही बात है दोस्तों, पहले से सीखे हुए ज्ञान का नए कार्य में कौशल सीखने में आप प्रयोग करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, प्रशिक्षक का स्थानांतरण। आर है कि बास्केटबॉल में सीखे हुए कौशलों को नेटबॉल सीखने में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों राइट है और आर ए की सही व्याख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के सेशन में 45 क्वेश्चंस थे। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।